ओके आई जस्ट थॉट कि मुझे एक बार लाइव जाना चाहिए. यू नो दैट प्यार, वो मुझसे तो बोला भी नहीं जाता प्यार, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस शिट ऑनेस्टली. ये प्यार व्यार कुछ होता नहीं है सच्ची बताओ तो. सो मतलब रिलेशनशिप एंड मैरिज आई डोंट बिलीव इट, एंड स्पेशली आफ्टर सीइंग ऑल दिस स्टफ. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, बात कर रहे हैं आपके साथ दिलीना और शाहनवाज के बारे में. जी दिलीना और शाहनवाज की जोड़ी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रोल की गई ये जोड़ी, जहाँ पर दिलीना ने हर फैंस को अपनी यही बात बताई कि मैं जिसे चाहूँ मैं पसंद कर सकती हूँ. लेकिन आज ये बहुत बुरी खबर सुनने में यही आ रही है कि ये दोनों कपल एक दूसरे से अलहदगी अख्तियार करने वाले हैं, जिस पर सारा खान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बहुत ही प्यारी सी बात फैन के साथ शेयर की. तो आई चली वीडियो में आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ. कि वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे. तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वेल, क्या आप जानते हैं कि जब मियां बीवी के बीच में लड़ाई होती है और वो दोनों एक दूसरे से रूठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो फौरन सुलह करते हैं और एक दूसरे से गले मिल लेते हैं. आपको पता है अल्लाह पाक क्या करते हैं? सबसे पहले अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं और उस सुलह को ठीक करने का जो बदला है वो ऐसे देते हैं कि मियां बीवी के पिछले जो कुछ भी गुनाह है अल्लाह उसे माफ़ कर देता है. कितनी खूबसूरत बात है ना. मियां बीवी का जो मियां बीवी की जो मोहब्बत है ना वो है ही ऐसी. अल्लाह ने कुरान में भी कसम जो खाई है, जिस मोहब्बत की खाई है, दुनियावी मोहब्बत की, वो मियां बीवी की खाई है. जन्नत में किसे साथ रखा है अल्लाह ने? मियां बीवी के रिश्ते को साथ रखा है. तो मियां बीवी एक बहुत बहुत अहम रिश्ता है. बस हम कोशिश करें कि इसकी अहमियत जाने, एक दूसरे के साथ चले, गलतियां होती है उसे माफ़ करे, सुलह करे, एक दूसरे के दिल में अपनी मोहब्बत डाले, अपनी अजमत डाले और खुशी से रहे. अस्सलाम वालेकुम. देवलीना के फैंस का ये कहना है कि इनको आपस में लड़ाई झगड़े खत्म करके शाहनवाज के साथ ही रहना चाहिए. आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा. मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार. वीडियो पसंद